हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नारुतो सीरीज के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जो कि है शारिंगान। शारिंगान एक डोजुत्सु है, मतलब एक विजुअल प्रोवेस, जो कि सीरीज में उचिहा क्लैन मेंबर्स के पास होती है। शारिंगान एक्चुअली में ओरिजिनेट होती है हागोरोमो ओत्सुत्सुकी से, और ये डोजुत्सु अपने यूजर को बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, जिनमें से एक है प्रीकॉग्निशन। जैसा कि हम लोग ने देखा ही है ओरिजिनल नारुतो सीरीज में, जब काकाशी सेंसे ने शारिंगान का इंट्रोडक्शन करा था जाबुजा वाली फाइट में, उसकी कितनी ज्यादा हाइप थी। तो शारिंगान भी स्टार्ट होती है सिंगल टोमोई से, उसके बाद डबल टोमोई, ट्रिपल टोमोई शारिंगान आती है, जो कि कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग होती हैं। बट शिपुदेन में हम देखते हैं मांगेक्यो शारिंगान, जो कि शारिंगान का ही इवोल्यूशन होता है, और ये यूजर तब अवेक कर सकता है जब वो काफी ज्यादा स्वरों से गुजरता है, जैसे ओबिटो की मांगेक्यो शारिंगान अवेकनिंग हुई थी जब काकाशी सेंसे ने रिन का डोरनट बना दिया था, कामुई जैसी एबिलिटी। बट इसका एक प्राइस होता है, मांगेक्यो शारिंगान का ओवरयूज करने से यूजर ब्लाइंड हो जाता है, जैसा कि हम लोगों ने सीरीज में देखा ही था। सबका फेवरेट कैरेक्टर इताची उचिहा के साथ यही हुआ था। पर इसके बाद हम लोग देखते हैं सीरीज में मांगेक्यो शारिंगान यूजर्स अपनी प्रोटेक्शन के लिए सुसानो भी बना सकते हैं, जो कि सीरीज में वन ऑफ द मोस्ट ओपी थिंग्स है। वो इंट्रोड्यूस तो ऐसे होता है कि वो एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन वो ऑफेंस के लिए ज्यादा यूज होता है। इसके बाद में हम लोग सीरीज में एक और एवोल्यूशन देखते हैं शारिंगान का, जो कि है इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान, जिसमें यूजर सारे मांगेक्यो शारिंगान की एबिलिटीज यूज कर पाता है, बट ओवर यूज के कॉन्सिक्वेंसेस खत्म हो जाते हैं। मतलब बेसिकली वो मांगेक्यो शारिंगान का प्रीमियम वर्जन है, जो सीरीज में केवल सास्के उचिहा और मादरा उचिहा ने अनलॉक करा था। आपको शारिंगान के बारे में क्या सबसे अच्छा लगता है कमेंट करके बताएं, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।